नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बादशाह इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बता दूंगा एमएमसी को रिवॉल्व कैसे करना है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा एमएमसी ऐसी होता है, इसको हम रिवॉल्व कोस तरीके से कर देते हैं। ये ऑलरेडी में इसको रिवॉल्व कर दिया है दोस्तों, सेम ये तरीके से मैं और एक ऐसी को रिवॉल्व करके आपको बता दूंगा। हम पहला ये ऐसा एमएमसी को बोर्ड से रिमूव करने के बाद ये सब हम अच्छा ब्लोअर का हमारा सोल्डरिंग रॉड का मदद से सब क्लीन कर लेना। यह हमारा लेड पूरा अच्छा साफ से रिमूव कर लेना, रिमूव करके हमारा क्लीनिंग ऐसे क्लीनिंग कर लेना है। क्लीनिंग करके बाद में हमारा ये स्टेंसिल्स होता है दोस्तों, स्टेंसिल्स में हमारा बिठा लेना है। देखिए दोस्तों, अब यह तरीके से हम स्टेंसिल्स पर बिठा लेना है। ये और एक मॉडल का इसी है दोस्तों एमएमसी, इसे इधर साइड बिठाकर सेम उधर साइड हमारा ट्रैक्स को इधर दिखना है दोस्तों। दिकिसनाथ हम ये ट्रैक्स इधर से दिखना है, सभी पॉइंटर से दिखना है बाहर तक। वैसे दिकिसनाथ हम इस पर बिठा लेना है, बिठाकर हम इस पर पीपीडी पेस्ट अप्लाई कर देना है। देखिए दोस्तों, ये हमारा पीपीडी पेस्ट होता है, पीपीडी पेस्ट को इस पर हम अप्लाई कर देना है। देखिए दोस्तों, ऑलरेडी मैं इस पर पीपीडी पेस्ट पूरा लगा दिया है। अब लगाकर मैं देखिए दोस्तों, ये पीपीडी पेस्ट पूरा ऐसा लगा लेना है। अब और एक बार मैं आपको बता दूंगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा पीपीडी पेस्ट होता है, पीपीडी पेस्ट को इस पर हम अच्छे से अप्लाई कर लेना है। देखिए दोस्तों, ये तरीके से हम अच्छे से अप्लाई कर लेना है। पीपीडी पेस्ट को अच्छे से अप्लाई करने से पॉइंटर में अंदर निकल जाता है। देखो दोस्तों, ऐसा अप्लाई करने के बाद हम क्या करना है तो इसको ऐसा ट्वीजर का मदद से हम देखो दोस्तों, ट्वीजर का मदद से हम ऐसा पकड़ देना है। यही तरीके से पकड़ लेना है, पकड़कर हमारा ब्लोअर से हीट कर देना है। ओके, ठीक है दोस्तों, ये पॉइंटर्स बन गए हैं हमारे, बीजी पॉइंटर्स बन गए हैं। देखिए दोस्तों, ये तरीके से हम लगा लेना है। ऐसा करने से हमारे को ये पीएम अच्छा तरीके से पॉइंटर्स बन जाते हैं। इससे पहले हम कहेंगे ऐसा एक वो अच्छा कार्टन लेना है दोस्तों, कार्टन लेकर उस पर रख के हम ये इसी को रिवॉल्व करना है, नहीं तो ये बराबर से नहीं होगा। देखिए दोस्तों, ऐसा बन गया है कि अब हम इसको अच्छा शाइनिंग आने के लिए थोड़ा इसका इस पर हम पेस्ट डालकर हम ब्लोअर से हीट करने से अच्छा शाइनिंग आ जाती है दोस्तों। फर्स्ट हम क्या करें, इसको जरा हम क्लीनिंग ऑयल डालकर क्लीन कर जाना है। क्लीनिंग ऑयल डालकर क्लीन करने के बाद पेस्ट डालकर इस पर हम पेस्ट लगा लेना है। पहला हम फर्स्ट ऐसा क्लीनिंग ऑयल से क्लीन कर लेना है, क्लीन करके बाद में पेस्ट डालकर हम हीट करने से परफेक्ट से बन जाते हैं दोस्तों पॉइंटर्स। देखिए दोस्तों, ये तरीके हम अभी बॉल कर लेना है। अब मैं पेस्ट डालकर आपको बता दूंगा।
देखो सो ये तरीके से हम पेस्ट डालकर हीट करने से हम सब फटाफट से पॉइंट तक बनकर होता शाइनिंग दिखते है, और ऐसा पूरा बनाने के बाद हम बोर्ड पर लगा लेना। हमारे बोर्ड में लगाने से ये फटाफट से जुड़ जाता है दोस्तों। यही तरीके से हम एमएमसी को हो, सीपीयू को हो, कौन सा भी आईसी को हम अवेबल कर लेना है। ठीक है दोस्तों, कौन सा आईसी को ऐसे तरीके से अवेबल कर सकते हो। ऐसा लेटेस्ट वीडियोस पूरा मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज। थैंक यू दोस्तों।